आप सभी को मेरे राम राम। शीतल विलास भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज का विलास जो है, मैं अभी शाम ही बोलेंगे, अब 5 बजे शुरू कर रही हूँ। और मौसम जो है वो इतना अच्छा हुआ है, दिन को गर्मी थी लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी। आप सोच ही सकते होंगे पहाड़ी इलाकों में गर्मी कैसी होगी। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। उससे पहले मैं आज 5 बजे का मौसम आपको दिखाती हूँ कि जो ग्रीन ग्रीन पेड़ है वो कैसे पत्ते हिल रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी हवा चली हुई है। ये देखिए, आजकल का जो हमारा भद्रकाशी का मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और हर तरफ देखो तो ग्रीन ग्रीन है। ये देखो सूरज कहाँ पहुंच गया है, 5 बजे, और अभी भी काफ़ी बीते हैं, दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं, थोड़ी बादल भी हैं। यो देखो हमारा मोटू क्या है। और कल है अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीय के दिन हम जो तुलसी माता है वो लगाते हैं। आप पता नहीं कब कब लगाते हो, शायद हर कोई अपने अपने टाइम पे हो, कुछ कोई पूर्णमासी के दिन या कुछ अलग टाइम होता होगा। हम अक्षय तृतीय के दिन जो तुलसी है वो लगाते हैं। तो अब हम लगा रहे क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे ठंड होती है ना, तो लगती नहीं है तो सूख जाती है। तो अब इस बार थोड़ा जो अक्षय तृतीय है वो देर से आई है, तो कल हमारे लिए खास दिन और भी है। खास दिन इसलिए है कि अक्षय तृतीय के दिन हमारी एनिवर्सरी है, हमारी शादी हुई थी, तो उसकी वीडियो तो मैं कल बनाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ हम गमले में तुलसी माता जो लगाएंगे तो उसकी हम तैयारी कैसे कर रहे हैं। ये है वो गमला जिसमें हम तुलसी माता को लगाते हैं। तो पूरे सर्दियों में ये सूख जाती है लेकिन हम इसकी चुन्नी जो ये बगा वगैरह जो इनको लगाया होता है वो नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम को सुबह शाम जोत जलाते हैं। तो दूसरी खास बात ये है कि जो मेरा बेटा है ना, उसको तुलसी मैया का बहुत भगत है। वो जब अगर कोई और जल्दी यहाँ पे जोत जला दे ना तो उसको बैठा नहीं जाता, वो रूठ जाता है। आप वो वीडियो में देखिएगा, मम्मा आप क्या बोल रहे हो आपने क्या बोला, तो क्यों सुना रहे हो। ये देखो अब हम इसको चुन्नी को निकालेंगे यहाँ से, फिर कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल इसमें हम बीज डाल देंगे। तो ये एक एक दो दो चूड़ियाँ तब की लगी हुई हैं जब हमने इनकी शादी की थी। इस गमले में हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो मेरा कैमरामैन है ना, तो वो मैच देखने में शायद बिजी है। मुझे तो नहीं लग रहा वो वीडियो इधर कोई बना रहा जी ना। सब सामान रखते ना किट्ठा, फिर सुच्चे पानी में कहीं जी ना। बीज इसका बीज इसी में है, नानी बोल रहे थे ना बीज का। ये देखो पूरे साल ये रहता ना इसमें। और मौसम आप देखो ना, आजकल इतना अच्छा मौसम है, ना गर्मी ना ठंड, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और मुझे लग रहा है जो वीडियो है वो आसमान की तरफ बन रही है। किधर बन रही है? अब मैं डालूंगी इसमें पानी डालूंगी तो फिर ये जल्दी इसके जड़ों तक जाएगा, फिर ये हो जाएगा। काफी ज्यादा डाला मैंने सर पर, कल तक सूख जाएगा ना। तुलसी का पेड़ है ना वो हर घर में होना चाहिए, होता तो हमारे सभी घरों में होते हैं, लेकिन जिसके घर में नहीं है ना तो वो भी ज़रूर लगाएं और एक डेली रूटीन रखें, खुद भी बच्चों को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए। अब हर जगह का एक अलग अलग ही रूटीन होती है ना, वो पता नहीं कैसे पूजा करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो रिवाज है जैसे लगाते हैं हम उसी तरीके से ये कर रहे हैं। अब हम कल की तैयारी कर रहे हैं, कल हम अब इसमें बीज डाल देंगे। सब बोल रहे थे इस बार अक्षय तृतीया जो है वो देर से है, तो अब कब लगेगी। मैंने कहा ये भी एक मैया का, ये देखो
ये हम पानी में डाल देंगे। फिर कुदालू हम इसको बोलते हैं, छोटा सा कुदालू। और ये पता आपको मैंने हमने किसका बनाया है, जो सरिया नहीं होता जिससे हम लेंटर वगैरह वो डालते हैं लोहे का, तो उसका लोहार के पास देखे तो ये देखो कितना अच्छा सा कुदालू बना है। तो अब मुझे लग रहा है इससे ज़रूरत नहीं है इसको देने की। चिना नहीं है ना, है ना ये देख, और चिना नहीं है ना देने की। और इसमें बीज डालने की भी कल ऐसे ही डालेंगे ना शास्त्र, इसमें बहुत सारा बीज है क्योंकि इसी में लग रही, मुझे लग रहा है ये लगी भी थी। चिना देख सर ये जो थोड़ी थोड़ी तो ये लगी तो नहीं है, ये देख है ना। तुलसी माता के साथ में जो ये दूसरा गमला आप देख रहे हो ना, जिसमें अभी ग्रीन ग्रीन घास लगा हुआ है, तो ये हमने गमला इसलिए रखा कि जब भी सुबह सारे, जब भी बच्चे बड़े जब सूर्य भगवान जी को जल देते हैं ना, तो बोलते जो जल के छींटे वो नीचे ज़मीन पे नहीं गिरने चाहिए, इसीलिए हमने एक ये गमला जो है वो स्पेशली सूर्य भगवान जी को जल देने के लिए रखा है, जो इसका पानी वो इसमें गिरे। और ये आप देखो इसमें ग्रीन ग्रीन घास उग गया है। सिर्फ एक जो बात है वो मेरी समझ में नहीं आती कि जब तुलसी मैया का जो ये पेड़, पेड़ ही बोलेंगे हम पौधे जो ये लगाते हैं, ये जब ये सूख जाते हैं आप इनको कहाँ डालते हो, क्या करते हो? क्योंकि एक दो साल से जो भी मेरे पास ये सूखे ना, मैंने एक बहुत बड़े जाली वाले जो होता ना वो जिसमें सब्जी वगैरह आती है तो उसमें बांध के मैंने एक पेड़ के साथ रखे हैं, तो ये इनको परवाना होता है या कुछ ये हमें भी नहीं मालूम, तो मैं उनमें संभाल के रख देती हूँ ये। बाकी जो दूसरी ये चुन्नी वगैरह है ये तो हम जब पानी आएगा ज़्यादा या जहाँ पे ज़्यादा तेज़ पानी का बहाव होगा तो उसमें सूचे का ये डाल देते हैं, लेकिन इसका नहीं हमें समझ। तो अगर प्लीज़ अगर आपको पता है आप इसको क्या करते हो तुलसी के जो ये सूखी डंडियाँ बोलेंगे हम, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इनका क्या करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही सूची चीज़ है, तो इनको ऐसे जगह पे तो हम रख नहीं सकते।